Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Shweta Sharma. Today in this video, we'll be discussing about behavior management of pediatric patients. Yes, this is a very important topic in pediatric dentistry, and we will be discussing about all these important questions. Now, the first question is, define behavior management. Describe various non-pharmacological methods of behavior management. एक तो ये डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफाइन करो बिहेवियर मैनेजमेंट को एंड डिस्क्राइब अबाउट ओनली नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन कैन बी टेल शो डू टेक्निक TSD. ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. दिस विल बी अबाउट 5 मार्क्स, या फिर होम टेक्निक पे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. सी, 10 मार्क्स का या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ऑल द मेथड्स फॉर बिहेवियर मैनेजमेंट. अब ऑल मेथड्स में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों आते हैं, या फिर फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. तो इन सभी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. इन दिस यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स ओनली. फर्स्ट इज, वी डू द ट्रीटमेंट प्रॉपरली ऑफ द चाइल्ड पेशेंट. And second, we instill the positive attitude in the child patient. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है कि हम ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं, दैट मीन्स कि हम इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली ट्रीटमेंट करते हैं चाइल्ड पेशेंट का. एंड सेकंड, हम इंस्टिल करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड इन द पेशेंट. तो यहाँ पे डेफिनेशन, इट इज़ द मीन्स बाय विच द डेंटल हेल्थ टीम इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली परफॉर्म्स द ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड एंड एट द सेम टाइम वी इंस्टिल्स द पॉजिटिव डेंटल एटीट्यूड. दिस वॉज गिवन बाय राइट इन 1975. फर्दर, इट इज़ क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल. ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एज द नेम सजेस्ट, विदाउट एनी ड्रग, एंड फार्माकोलॉजिकल विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स. राइट, नाउ दिस इज द होल चैप्टर एक्चुअली. और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ पे, डिफाइन बिहेवियर मैनेजमेंट, डेफिनेशन हमारी हो गई है. नाउ डिस्क्राइब वेरियस नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. देन व्हाट विल यू डू, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पे आप तीन जगह पे क्लासिफाई करोगे. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो. सेकेंड इज बिहेवियर शेपिंग यहाँ पे, एंड थर्ड इज बिहेवियर मैनेजमेंट. ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, तब भी अगर बात नहीं बनती है देन वी विल गो फॉर बिहेवियर शेपिंग. यानी कि हम पेशेंट के बिहेवियर को शेप करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. उसके बाद तब भी अगर बात नहीं बनती है देन व्हाट विल वी डू, बिहेवियर मैनेजमेंट, तब हम बिहेवियर को मैनेज करेंगे. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक, तो पहले आप क्लासिफाई करोगे नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल में. देन फार्माकोलॉजिकल को 3 सब क्लासेस में, एंड सेकंड इज फार्माकोलॉजिकल. अब यहाँ पे इनके भी फर्दर टाइप्स है. बिहेवियर शेपिंग में 3 आते हैं, डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट. बिहेवियर मैनेजमेंट के भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं. यहाँ पे आप कैसे याद करोगे, ए बी सी. ठीक है, ऑडियो एनाल्जेसिया, बायोफीड मैकेनिज्म एंड कोपिंग, ये 3 हो गए ए बी सी. नाउ HH वी, वॉइस कंट्रोल, रिलैक्सेशन एंड एवर्सिव कंडीशन. एवर्सिव कंडीशन में हमारी आती है HOME, होम टेक्निक. ठीक है, और यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन में हमारी आती है TSD, टेल शो डू टेक्निक. तो यहाँ से डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, होम टेक्निक या फिर ये टेल शो डू, या फिर ये प्रॉपर पूरा का पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा. तो हम 1 by 1 इन सभी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेफिनेशन की है, देन वी हैव क्लासिफाइड दिस बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल 1 by 1, देन वी विल स्टडी अबाउट फार्माकोलॉजिकल. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. सबसे पहला है यहाँ पे कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले पेशेंट से बात करते हैं. ठीक है, अब ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं. अब इसका क्या मतलब होता है, वर्बल का मतलब स्पीच, हम बात करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे. नॉन वर्बल का मतलब होता है हम बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टैक्ट से, ठीक है, वी विल शो आर कंसर्न, या फिर स्माइलिंग, हम एक स्माइल पास करेंगे बाय गिविंग अ हग, और वी कैन पैट ऑन द बैक ऑफ द पेशेंट. इन सभी से वी कैन कम्युनिकेट विद पेशेंट नॉन वर्बली. और उसके अलावा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, यानी कि हम बातचीत करते टाइम अगर पेशेंट को प्रॉपर स्माइल से हम बात करें, उनके लिए कंसर्न दिखाएं, आई कॉन्टैक्ट से हम प्रॉपर बात करें, दीज ऑल कैन बी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन.
अब हम यहाँ पे जब पेशेंट से वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तब हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूफेमिज्म्स, जिससे ही हम पेशेंट को इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। अब ये वर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल, एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। अब हम पेशेंट को, यानी कि चाइल्ड पेशेंट को, ये तो नहीं डायरेक्टली बताएंगे कि हम एनेस्थीजिया दे रहे हैं, तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? वी आर पुटिंग सम वाटर ऑन द टीथ टू मेक इट स्लीप। ठीक है, इसको सुलाने के लिए हम दांत के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। या फिर रबर डैम। रबर डैम हम डायरेक्टली बोलेंगे कि हम भाई आपके मुंह में रबर डैम लगा रहे हैं, वो समझ में तो आएगा नहीं। सो व्हाट विल वी से? रेनकोट। वी आर अप्लाइंग इन योर माउथ इज रेनकोट। ठीक है, रेडियोग्राफ को हम टूथ पिक्चर हम कह सकते हैं कि भाई आपकी फोटो ली जा रही है। तो दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज, वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं या फिर यूफेमिज्म्स कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आपसे पूछ ले जाते हैं या फिर आप आंसर में भी लिख के आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, रबर डैम को यहाँ पे रबर रेनकोट बोला है, रबर क्लैम्प को टूथ बटन बोला है, या फिर रबर डैम फ्रेम को कोट रैक कहा है, सीलेंट्स को टूथ पेंट कहा है। तो ऐसे ही सो ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें से कुछ आप लिख के आइए। तो यहाँ पे देखिए, इन नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज वर्बल, नॉन वर्बल और कॉम्बिनेशन, राइट? नाउ द सेकेंड इज बिहेवियर शेपिंग, इन विच वी विल मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। ओके, इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: डिसेंसिटाइजेशन, मॉडलिंग एंड कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहेवियर शेपिंग की डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ विच स्लोली डेवलप्स द बिहेवियर बाय रीइंफोर्सिंग अ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर अंटिल द डिजायर्ड बिहेवियर कम्स इन टू बींग। यानी कि इसमें हम पेशेंट का बिहेवियर स्लोली स्लोली डेवलप कराते हैं जब तक हमारा डिजायर्ड बिहेवियर कम्स इन टू बींग, जब तक पेशेंट में डिजायर्ड बिहेवियर नहीं आ जाता तब तक। ओके, जिसमें फर्स्ट इज डिसेंसिटाइजेशन मेथड, जिसमें TSD टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 5 मार्क्स एस्पेक्ट। ठीक है, अगर 5 मार्क्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है TSD पे तो आपको अलग से लिख के आना है, अदरवाइज 10 मार्क्स के अंदर तो हमें ये लिख के ही लिख के आना है। ठीक है, तो TSD में नाम से ही पता लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेल द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर, देन वी विल शो द इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट। These are the steps to be followed in TSD technique. First of all, dentist uses the language that child can understand easily. ठीक है, जो हमने euphemisms words use किए थे उनकी help से हमें child को बताना है. Then we will show the instruments. Okay, the dentist demonstrate the procedure to the child using model या फिर himself. ठीक है, एंड देन नाउ द डेंटिस्ट कैन प्रोसीड फॉर द प्रोसीजर। नाउ सेकंड वाज मॉडलिंग। वी आर स्टडिंग अबाउट बिहेवियर शेपिंग, एंड बिहेवियर शेपिंग में फर्स्ट वाज डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक, नाउ सेकंड इज मॉडलिंग, एंड थर्ड विल बी कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। व्हाट इज मॉडलिंग? मॉडलिंग मीन्स वी आर यूजिंग सम अदर थिंग्स एज अ मॉडल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, लाइव मॉडल। लाइव मॉडल में सिबलिंग्स, पेशेंट सिबलिंग्स, यहाँ पे इन दिस फोटो एज यू कैन सी राइट हियर वी आर यूजिंग पेशेंट सिबलिंग एज मॉडल कि भाई ऐसे आपको कराना है। और फिल्म्ड मॉडल्स, पोस्टर्स या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, इन सभी को वी कैन यूज एज अ मॉडल टू शो द पेशेंट कि भाई आप कोऑपरेट करो इनकी तरह तो आपका प्रोसीजर जल्दी ही अच्छे से कंप्लीट होगा। नाउ द थर्ड इज कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट। कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो चीज़ें पसंद हैं वो हम उनसे विड्रॉ कर लेते हैं या फिर हम उनको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे चाइल्ड पेशेंट को कोई चीज़ अच्छी लगी है, फॉर एग्जाम्पल की चेन, तो हम उनको बोलेंगे कि अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट कराओगे तो हम आपको की चेन देंगे। इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ द रेनफोर्सेस। अगर पेशेंट अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो फिर हम उनको विड्रॉल ऑफ रेनफोर्सेस के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम उनकी मदर को ऑपरेटिव रूम से बाहर वेटिंग एरिया में भेज सकते हैं। सो यू कैन सी राइट हियर, वी हैव कवर्ड कम्युनिकेशन, वी हैव कवर्ड बिहेवियर शेपिंग। नाउ वी विल कम टू द बिहेवियर मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बिहेवियर मैनेजमेंट में ABC, ऑडियो एनाल्जेसिया, बायोफीड मैकेनिज्म, सी वॉज फॉर कोपिंग, देन HH, फर्स्ट H फॉर हिप्नोडोंटिक्स, सेकेंड फॉर ह्यूमर, then relaxation, and finally aversive condition. Yeah, you can see right here. Okay, तो अभी behavior management करते हैं। Child can be managed by following methods. Audio analgesia में क्या है, this is also called as white noise. इसमें basically हम क्या करते हैं, patient को जो music अच्छा लगता है वो हम वहाँ पे चला देते हैं to reduce the stress. Next is biofeed mechanism. Bio that means living, feedback that means feedback. तो यहाँ पे we will use certain instrument to detect certain physiological process.
यानी कि हम पेशेंट का को ही चेक करके उनका स्ट्रेस डिटेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल चेक फॉर बीपी. ठीक है, अगर पेशेंट स्ट्रेस आउट है, हाइपरटेंसिव है, देन हिज बीपी माइट बी शूटिंग, राइट. तो ऐसे हम बायोफीडबैक मैकेनिज्म चेक कर सकते हैं. देन थर्ड इज कोपिंग. इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. व्हाट दिस एक्चुअली इज, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ पेशेंट टू कोप अप विद देयर स्ट्रेस बाय देमसेल्फ ओनली. कोई पेशेंट ऐसा हो सकता है स्ट्रेस कंट्रोल कर सकता हो, कूल डाउन हो सकता हो. कोई पेशेंट ऐसा हो सकता है कि वो स्ट्रेस को कोप अप ना कर पाए. तो दिस इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल. ओके, दिस वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. नाउ कोपिंग इफेक्ट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, बिहेवियर और कॉग्निटिव. बिहेवियर में क्या आ जाता है, क्या पता पेशेंट का स्ट्रेस कैसे कम होता हो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके या फिर बातचीत करके. ओके, नो कॉग्निटिव इज व्हाट, द चाइल्ड मे बी साइलेंट एंड थिंकिंग इन हिज माइंड टू कीप काम. मे बी पेशेंट इज थिंकिंग अबाउट सम प्रीवियस प्लेजरेबल मूवमेंट्स. दीज आर द मेथड यूज्ड बाय द पेशेंट टू ओवरकम देयर स्ट्रेस. ओके, नाउ थर्ड इज सिग्नल सिस्टम. सिग्नल सिस्टम में क्या है, हम चाइल्ड को बोलेंगे जब भी आपको हर्ट होगा आप सिग्नल देना. फॉर एग्जाम्पल आप हैंड रेज करना. ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेशेंट को जब भी पेन होगा पेशेंट हैंड रेज करेगा. नाउ हिप्नोसिस, इसमें हम कॉन्शियसनेस को ही ऑल्टर कर देते हैं. एंड व्हेन दिस इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री इट इज कॉल्ड एज हिप्नोडोंटिक्स. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन में हम पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पेशेंट को थोड़ी देर वेटिंग एरिया में रेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, रिलैक्स करने के लिए बोल सकते हैं ना. सो देयर कैन बी सर्टेन मेथड फॉर रिलैक्सेशन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज वॉइस कंट्रोल. कि भाई अगर काम नहीं चल रहा है देन वी हैव टू ऑल्टर आर वॉइस ऑफ टोन. ठीक है ना, क्योंकि अगर पेशेंट नॉर्मल हमारी सॉफ्ट लैंग्वेज में नहीं सुन रहे हैं देन वी हैव टू मॉडिफाई द इंटेंसिटी एंड पिच ऑफ आर ओन वॉइस टू अटेम्प्ट टू डोमिनेंट इंट्रैक्शन बिटवीन डेंटिस्ट एंड चाइल्ड. नाउ द एवर्सिव कंडीशन. एवर्सिव कंडीशनिंग, यहाँ पे आप स्टार पॉइंट डाल सकते हो. इस टेक्निक को हमें तब यूज करना है व्हेन एवरी अदर टेक्निक फेल्स. ओके, जब कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नेगेटिव बिहेवियर है पेशेंट का, पेशेंट कोऑपरेट करना चाहता ही नहीं है, देन वी हैव टू अटेम्प्ट फॉर दिस. ओके, इट कैन बी सेफ एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ मैनेजिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव बिहेवियर. टू इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आर HOME, होम, एंड फिजिकल रिस्ट्रेंट. HOME फुल फॉर्म यहाँ पे आप देखिए, हैंड ओन माउथ एक्सरसाइज. इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, हैंड ओवर माउथ. यानी कि पेशेंट अगर बिल्कुल ही नेगेटिव है, करना ही नहीं चाहता है कोऑपरेट, व्हाट विल वी हैव टू डू इज विल पुट आर हैंड ऑन द माउथ ऑफ द पेशेंट. और हम पेशेंट को बोलेंगे हम हैंड तभी हटाएंगे जब आप अच्छे से कोऑपरेट करोगे. सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एविंगलिन जार्डन इन 1920. पर्पस ऑफ होम इज टू गेन द अटेंशन ऑफ अ चाइल्ड सो द कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड. क्योंकि अगर पेशेंट इतना नेगेटिव बिहेवियर में है कि वो बात ही नहीं सुनना चाहता है, कम्युनिकेशन ही नहीं करना चाहता है, ऐसे केसेस में हमें होम टेक्निक को यूज करना पड़ता है. पर इसकी इंडिकेशन क्या है, चाइल्ड शुड बी हेल्दी एंड हु कैन अंडरस्टैंड बट हु एग्जिबिट हिस्टीरिकल बिहेवियर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट. यानी कि बच्चा समझ तो सकता है सब कुछ, ठीक है, और मैच्योर इनफ भी है, पर वो बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव है, वो ट्रीटमेंट के लिए कोऑपरेट करना ही नहीं चाहता है उन केसेस में. और इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, चाइल्ड अंडर 3 years ऑफ एज. 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आपको ये टेक्निक नहीं करनी है. या फिर कोई भी डरा हुआ बच्चा है, फ्राइटन चाइल्ड, या फिर फिजिकल मेंटल और इमोशनल हैंडीकैप चाइल्ड. ठीक है, ऐसे केसेस में वी विल नॉट गो फॉर होम टेक्निक एट ऑल. फिजिकल रिस्ट्रेंट में क्या आता है कि भाई ये भी ऐसे ही केसेस में यूज किया जाता है जिसमें पेशेंट बिल्कुल नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है. तो ऐसे केसेस में इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, उनके हाथ पैर अच्छे से बांध देते हैं. दिस कैन बी डन बाय डेंटिस्ट स्टाफ या फिर पेरेंट्स हो. सो ठीक है, हम पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि भाई आप हाथ पैर पकड़ लो पेशेंट के. नाउ फिजिकल रिस्ट्रेंट में और भी यूज हो सकते हैं, पेपर्स बोर्ड, ट्रायंगुलर शीट, पेडी रैप, या फिर माउथ प्रोप और बाइट ब्लॉक. इन सभी को हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दिस इज पेपर्स बोर्ड या फिर पेडी रैप या फिर माउथ प्रॉप्स, ये सभी आप यूज कर सकते हो. नाउ हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स सारे कर लिए हैं कवर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट फार्माकोलॉजिकल मेथड. फार्माकोलॉजिकल मेथड में कॉन्शियस सेडेशन. कॉन्शियस का मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट इज एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग अराउंड हिमसेल्फ. ठीक है, बट सेडेशन यानी कि पेन फील नहीं हो रहा है. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन. नाउ कॉन्शियस सेडेशन क्या होती है, मिनिमली डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें पेशेंट का देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट इज एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हिमसेल्फ. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें हम यूज करते हैं. नाइट्रोक्साइड इज अ वेरी क्विक इनहेल्ड सेडेशन मेडिसिन दैट डिक्रीजेस डिस्कम्फर्ट एंड एंग्जाइटी. ठीक है, जिसमें पेशेंट
एंटी डिप्रेसेंट होता है, ये बेसिकली काम डाउन करता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज गिवन थ्रू अ स्मॉल ब्रीदिंग मास्क, मास्क यहाँ पे लगा दिया जाता है रिलैक्सिंग बट विदाउट पुटिंग देम इन टू स्लीप। ठीक है, नींद नहीं आती है, कॉन्शियस होता है बट रिलैक्स करता है, वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। एक मूवी में अक्षय कुमार की शायद वो मूवी थी, उसमें वो लाफिंग गैस रिलीज कर देते हैं एक रूम में और उसमें सभी हंसने लग जाते हैं, हाउसफुल आई थिंक उस मूवी में। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो, नाइट्रस, हंस हंस के बंदा पागल हो जाए। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस। स्वीट स्मेल होती है, कलरलेस गैस होती है। इसका टाइम ऑफ ऑनसेट क्या होता है, फ्यू सेकंड से लेके 3 to 5 मिनट्स के अंदर इसका काम स्टार्ट हो जाता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये रैपिडली क्रॉस करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में इसकी क्या आती है, COPD के पेशेंट्स में ये आपको नहीं देना है। एंड सेकेंडली सीवियर इमोशनल डिस्टर्बेंसेज और ड्रग रिलेटेड डिपेंडेंसेज, ऐसे केसेस में आपको ये फार्माकोलॉजिकल मेथड यूज नहीं करना है। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिलो, और उसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले सो दैट यू कैन गेट एवरी अपडेट। थैंक यू एंड बी हैप्पी।